गाइस देखो इतना तेज बारिश हो रहा है। नाश्ता वगैरह भी हमने कर लिया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम आ चुके हैं नीचे, तो पहले तो हम पीते हैं चाय। और बारिश इतना तेज हो रहा है ना बाहर, मैं आपको बताता हूँ, बहुत तेज ज्यादा बारिश हो रहा है। आज हमने एक वीडियो शूट के लिए बाहर जाना था, तो बारिश इतना तेज हो रहा है तो बाहर जाना बहुत मुश्किल हो गया। अभी मैं बताता हूँ आपको कितना तेज बारिश हो रहा है। तो चलो अभी पहले तो मैं आपको बारिश दिखा देता हूँ इस ब्लॉग के अंदर, क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है ना। शूट के लिए हमको कहीं यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर जाना था, क्योंकि बारिश इतना तेज हो रहा है। और सुबह का बारिश लगा है, अभी तक हटा नहीं है, क्योंकि हमने प्लानिंग कर रखा था 1-2 दिन पहले ही कि हम बाहर कहीं शूट करने जाएंगे। तो चलो देखते हैं पहले बारिश अभी कितना कम हुआ कि ज़्यादा है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। शूट के लिए जा पाते कि नहीं जा पाते, बारिश के ऊपर डिपेंड है भाई, हम क्या बोल सकते हैं। यहाँ पे मौसम चेंज होते रहते हैं, कभी बारिश आता है, कभी बंद हो जाता है, कभी आता है बारिश, कभी बंद होता है। चलो बारिश देखते हैं अभी कितना है कितना नहीं है। चलो मैं आ चुका हूँ बाहर, और बाहर का आप देख सकते हो मेरे कितना बारिश हो रहा है। मैं आपको बैक कैमरे दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा बारिश। भाई ये देख लिया आप कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है यार, ये पूरा गाड़ी भी भीग गया है। ये हमारा दोस्त बैठा है, फ्रेंड बैठा है, पूरा बारिश हो रहा है। मतलब शूट करने के लिए बाहर जाना था, इतना तेज बारिश हो रहा है ना, आप देख सकते हो। ये कंटिन्यू 2 दिन से लगा है। हमने सोचा चलो आज बंद हो जाएगा, आज हम शूट के लिए जाएंगे, पर बंद नहीं हो पा रहा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मतलब इतना पानी पूनी भर जाता है ना पूरा, और इतना तेज बारिश हो रहा है, जैसे से आ रहा है पानी। बारिश में तो मुश्किल ही है गाइस शूट करना बाहर। इधर हमारी बैठी है सिस्टर जी, क्योंकि जब भी हमारे साथ जाएंगे शूट करने के लिए, तो बारिश में इधर बैठे हैं, जब भी शूट के लिए तैयार हैं, जाने के लिए तैयार है, रेडी होके बैठे हैं, पर बारिश इतना तेज है तो जाने को बहुत मुश्किल हो रहा है गाइस, क्या बोले अब। तो गाइस अभी चलते हैं अंदर और कुछ खाने के लिए मंगाते हैं अभी। तो फिलहाल अभी देखते हैं, चाय नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर थोड़ा सा बारिश कम होगा, फिर उसके बाद हम शूट के लिए देखेंगे। बारिश कम होगा तो थोड़ा सा फिर प्लानिंग करेंगे जाए कि नहीं जाए, क्योंकि बारिश इतना तेज है। अगर शूट करने के लिए हम चले गए तो बेफालतू में गाड़ी का तेल फूंक के आ जाएंगे, क्योंकि बारिश इतना तेज है, शूट हो नहीं पाएगा, हमारा पूरा वीडियो बन नहीं पाएगा। तो इसलिए फिर नेक्स्ट डे का देखते हैं शूट के लिए क्या होता है, कल देखते हैं। अगर कल थोड़ा सा बारिश कम होगा तो फिर हम कल कर लेंगे, कल का डेट डाल देंगे शूट के लिए, ठीक है गाइस। तो चलो अभी नाश्ता करते हैं, कुछ स्पेशली मंगाते हैं। गाइस नाश्ता वगैरह भी हमने कर लिया है फाइनली, हमने भी है चाय और बिस्कुट, मैं बाहर से लेके आया, बारिश में दुकान में गया था, वहाँ से पास में दुकान है, वहाँ से लेके आया था मैं। तो एक्चुअली मेरे हाथ में एक छाता था, चाय की प्लेट थी, और इसमें कच के ग्लास थे, मैं शूट कर नहीं पाया। तो अभी नाश्ता हो गया, अभी देखते हैं क्या होता है। तो गाइस देखो इतना तेज बारिश हो रहा है, मैं अभी बाहर आया हूँ छाता लेके, पूरा पानी पानी हो गया है पूरा। यहाँ देखो बारिश बहुत तेज़ ज़्यादा बारिश हो रहा है, छाता लेके आ चुका हूँ बाहर, चलते हैं अभी अंदर। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही यार, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ऐसी बारिश में जाना बहुत मुश्किल है बाहर। शूट बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, आज हम शूट के लिए नहीं जा रहे हैं, हम कल जाएंगे, देखेंगे कल अगर मौसम साफ होगा तो कल शूट के लिए निकल जाएंगे। तो आज मैं ब्लॉग को यही एंड करता हूँ। आई हो आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पे ना हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा।